का होता है, एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2Al2O3। तो ये भी क्या है आपका, ये भी क्या हुआ, ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से जिंक की भी रिएक्शन होती है, आयरन की भी रिएक्शन होती है, कॉपर की भी रिएक्शन होती है। कुछ एलिमेंट बर्न हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये प्रॉपर बर्न हो जाता है, फायर जल्दी आपने देखा होगा। लेकिन आयरन है, आयरन बर्न नहीं होता, बट वो एक हॉट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जो आयरन होता है वो ग्लो करता है, बर्न नहीं होता। ऐसे एल्यूमिनियम भी आपका बर्न नहीं हो रहा है। तो कुछ कंपाउंड बर्न होते हैं, कुछ ग्लो करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो आपके कुछ कंपाउंड है, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पर हमने कहा पोटेशियम और सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव थे, आप इन्हें खुला छोड़ो, ये तुरंत रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इनका रीज़न क्या होता है, इनका रीज़न होता है, जब आप मैग्नीशियम को एटमॉस्फेयर में रखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को एटमॉस्फेयर में रखते हैं, दे विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर देयर सरफेस। ये क्या करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम को रखा भाई, सोडियम और पोटेशियम तो बर्न नहीं हो जाएगा, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आपने एल्यूमिनियम को देखा होगा, एल्यूमिनियम का मैं एक वायर लेती हूँ, सपोज करो ये शीट है एल्यूमिनियम की, जब मैं इसे काफ़ी टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रखती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, या तो ये भी ग्लो करना चाहिए या बर्न होना चाहिए। लेकिन ये ग्लो और बर्न नहीं करता, क्यों नहीं करता, द अपर सरफेस ऑफ दिस मेटल, जो भी बाहर की सरफेस जो है, दैट विल कोटेड विद अ लेयर ऑफ द कंपाउंड। एक उस पर क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो उससे क्या होता है, बस बाहर बाहर वाला जो एल्यूमिनियम है उसने रिएक्ट किया है, जो अंदर वाले एलिमेंट है वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। सिंपल है, एल्यूमिनियम का एक रॉड लिया आपने, या वायर लिया, या शीट ली, द अपर सरफेस ऑफ दैट मेटल विल कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर, वो प्रोटेक्टिव लेयर उसे आगे बर्न या रिएक्ट नहीं होने देती। ये आपको याद हो तो मैग्नीशियम ने भी पढ़ा था, वाई मैग्नीशियम रिबर शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसे क्लीन क्यों करते हैं, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट। तो इन द सेम वे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट ऑफ ऑक्साइड विच विल प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको पीछे मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बताया था, दैट कि जो आपके मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक भी होते हैं और उसके साथ साथ वो कैसे भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी। जो हमने मेटल ऑक्साइड्स अभी पढ़े हैं, दे आर बेसिक एज वेल एज एम्फोटेरिक। बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच विल बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह बिहेव करते हैं ये, जब जरूरत पड़े जैसा दिखना है वैसा दिख जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हमेशा एसिड है तो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, बेस है तो बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन, जहाँ जैसी जरूरत होती है वहाँ वो वैसे बिहेव करने लगते हैं। बेसिक सब्सटेंस कैसे होंगे आपको पता चला चलेगा, रेड लिटमस को किसमें चेंज करेंगे, ब्लू में। किसमें चेंज करेंगे, रेड लिटमस को, ब्लू में। नाउ सम ऑफ द बेसिक मेटल ऑक्साइड, अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, कुछ होते हैं सॉल्यूबल और कुछ होते हैं इनसॉल्यूबल। अब ये आ गए, जो इनसॉल्यूबल होंगे वो प्रॉपरली बेस होंगे, जो सॉल्यूबल होंगे वो क्या बन जाएंगे, एल्कली, एल्कली बन जाएंगे। एल्कली तो होता है सॉल्यूबल में, हमें इनसॉल्यूबल का आपको एग्जाम्पल याद हो गया होगा, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 ले लो या Fe ले लो। आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्यूबल, कॉपर के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट दे आर हैविंग सम बेसिक कैरेक्टर। सॉल्यूबल कौन से होते हैं, जैसे मैं सोडियम ऑक्साइड लूँ, Na2O, इसे वाटर में डिजॉल्व करो, H2O, ये बन जाएगा NaOH, क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। इट इज सॉल्यूबल, भाई वाटर में सॉल्यूबल हो गया तभी तो NaOH बना, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एल्कली। तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड आर ऑफ टू टाइप, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। बेसिक लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। बेसिक मेटल ऑक्साइड दो टाइप के हैं, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। इन वाटर सॉल्यूबल कौन से होते हैं, सॉल्यूबल जो बेसिक ऑक्साइड होंगे दे आर जनरली एल्कली। तो सोडियम का ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर, सो दे नोन टू बी एल्कली।
नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक। अच्छा एम्फोटेरिक इंपॉर्टेंट है, दो एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ। एम्फोटेरिक में आता है आपका Al2O3, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। अब बिहेवियर कैसे शो करेंगे, मैं इनका बिहेवियर शो करके आपको दिखाती हूँ। वेन एवर आई एम गोइंग टू रिएक्ट Al2O3 विद HCl, जब आप Al2O3 की रिएक्शन एसिड के साथ करते हो तो यहाँ पर बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा? AlCl3 और प्लस H2O। अब आप देखिए, अगर सॉल्ट प्लस एक सब्सटेंस जिसको मैंने एसिड के साथ रिएक्ट किया, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, यानी वो सब्सटेंस कौन सा होगा? बेस। तो ऑन रिएक्टिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल बिहेव एज अ बेस। सेकेंड थिंग इज Al2O3 प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। A compound on reacting with base also produce salt and water, and the formula of this salt is, ये salt का आपको याद रखना है, एक इसका नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। This name, the name of this compound is sodium aluminate। क्या याद रखना है? Sodium aluminate। जब आप zinc के साथ reaction करोगे तो यहाँ zinc chloride बनेगा, यहाँ zinc aluminate बनेगा। क्या बनेगा? zincate, sodium zincate बनेगा यहाँ पर, zinc aluminate, sorry, sodium zincate। formula आप लोग खुद देखोगे and zinc के साथ reaction लिखोगे, zinc oxide के साथ, HCl की और NaOH की भी खुद से। okay, तो ये आपकी reaction हो गई metal oxides के। अब हम एक बार फटाफट से revise कर लेते हैं। हमने metal की reaction पढ़ी, उसकी physical properties clear है, उसके बाद हमने metal की properties पढ़ी है। सबसे first property हमने start की है, that is reaction with oxygen। रिएक्ट किस फॉर्म में करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रेट पर रिएक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, जिंक आता है, आयरन आता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव में लेड और कॉपर आता है, क्योंकि बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में दे लाई एट द बॉटम। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा दैट वेन एवर अ मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बेसिक होते हैं एम्फोटेरिक, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, आपको ये भी बताया दैट वी कैप वाई वी हैव टू कीप सोडियम एंड पोटेशियम इन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर दे विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, सो दैट्स वाई दे विल कैप इन द कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल एटमॉस्फेयर का कॉन्टैक्ट प्रिवेंट कर देता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। एल्यूमिनियम के साथ यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑल्सो। ओके, उसके बाद आपकी सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। सेकेंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब हम जरा पहले रिएक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टू स्टेप रिएक्शन। कैसे है टू स्टेप रिएक्शन बताती हूँ। वेन एवर अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फॉर्म ओनली मेटल ऑक्साइड विद H2 गैस। यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, जब आपने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा था ओनली मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? H2 गैस भी फॉर्म होगी। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप रिएक्शन क्या है? दिस मेटल ऑक्साइड इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर देन इट विल कन्वर्ट टू मेटल हाइड्रोक्साइड। ये टू स्टेप रिएक्शन है। कहीं कहीं तो हमको यही रिएक्शन देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर ये रिएक्शन देखने को मिलती है, और कहीं कहीं पर डायरेक्ट ये भी लिखा हुआ है दैट मेटल प्लस वाटर इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द मेटल्स, इट इज ट्रू ओनली फॉर दोज मेटल वोज मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। आई होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दैट फर्स्ट स्टेप में आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, एंड इफ दिस मेटल ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर देन ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म, अदरवाइज रिएक्शन विल स्टॉप एट दिस स्टेज ओनली। रिएक्शन कहाँ पर स्टॉप हो जाएगी? यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, वो सेकेंड स्टेप तक नहीं आएगी। सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड तब बनेगा अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब जैसे अगर मैं सिंपल आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाऊं, मैं सोडियम से स्टार्ट करती हूँ। वेन एवर वी आर गोइंग टू रिएक्ट सोडियम विद वाटर, तो ये बनता है पहले Na2O प्लस H2, एंड वेन यू रिएक्ट विद दिस Na2O प्लस वाटर इट विल फॉर्म NaOH। और कलेक्टिवली जब ये रिएक्शन लिखी जाती है, कलेक्टिवली ये रिएक्शन लिखी जाती है सोडियम प्लस H2O, it give NaOH plus H
टू। अच्छा यहाँ पर रिएक्शन है, डायरेक्ट जब रिएक्शन लिखी होगी मेटल प्लस वाटर इट गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ये रिएक्शन है। तो आप देखिए इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, रिएक्शन इंडिविजुअली आपको लास्ट में यही मिलेगी। तो सोडियम के लिए तो ये रिएक्शन सही है, लेकिन हर कंपाउंड हर एलिमेंट के रिएक्शन सही नहीं है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल। थैंक यू सो मच।